राम रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। मैं आ गई आपके सामने सुंदरकांड के चौपाइयां लेके अर्थ सहित, जिसमें कि मैं आप सबको एक एक शब्द एक एक अर्थ एक एक शब्द का एक एक अर्थ बता रही हूं। कोई शब्द नहीं छोड़ रही हूं, कोई दोहा नहीं, कोई चौपाइयां नहीं, सारा आप सबको सुना रही हूं। हम आ गए थे 12 दोहे पर। 12 दोहे से आप सुंदरकांड का 12 दोहे पर हम आ गए थे, उससे आगे अब अर्थ सहित। आप सबको कैसी लग रही है जरूर मेरे को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय सियाराम। दोहे को सोरता है, सोरते को मैं रिपीट कर देती हूँ। जय सियाराम। कपी तेरे हृदय विचार दीने, मोद्र कांडार तब जन अशोक अंगार दीने, हरस उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले ली अंगूठी चौपाई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकदेव जी तब मुदिरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सके अजय रघुराई, माया तेस रच नहीं जाई, सीता मन विचार करी नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रमण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। वे श्री राम जी चंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रगट होते किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह यह भाई प्रगट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए, उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं, उनके मन में आश्चर्य हुआ। जय श्री राम। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, जय मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहे सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ, श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी या पहचान दी।
नरी बान रहे संग कहू कैसे कही कथा बही संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ? तुम हनुमान जी ने तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। दोहा, कप के बचन सप्रेम मो सोने उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरे जन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावल बाड़ी, भूड़त बिरह जल दे हनुमाना, भय उतात मो कहूं जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाड़ी प्रीत हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, खुश हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बृह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हो। अब कहूं कुशल जाऊं तू बलिहारी, अनुज साहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही तुधरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे भगवान, हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, तब हुक सूरत करते रघुनायक, तब हूँ नयन मम शीतल ताता, होई है निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक की बान है, वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? सीता जी बोल रही हैं, बचन न आव नयन भरे बारी, एह नाप हो निपट भी सारी, देखे परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में ब्रह है, ब्रह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को ब्रह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनती वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पाने केता, जन जननी मानहु जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता सुंदर कृपा के धाम, प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं, बता रहे हनुमान जी। हे माता, मन में ग्लानी ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए, श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। हनुमान जी समझा रहे हैं सीता जी को। रघुपति करी संदेशो अब सुन जननी धरी धीर, अस कहे कपि गद गद
हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया, प्रेम के आंसू भर आए। अब हम आ गए 14 दोहे पर। अर्थ सहित जब हम सुनते हैं सुंदरकांड के पाठ को तो कितना आनंद आता है, हमें समझ में आता है कि हाँ इन चौपाइयों का, इन दोहे का क्या अर्थ है। और वैसे तो गाने की तरह एकदम सीधे सीधे पढ़ते चले जाओ तो अर्थ समझ में नहीं आ पाता। तो आप सबको कैसी लग रही है मेरी सुंदरकांड, छोटा छोटा करके मैं आप सबको सुना रही हूँ, तो ये आप जरूर मेरे को बताइए। जय सियाराम, शेयर कीजिए। जय सियाराम।